Hello guys! Welcome to my channel! आज का हमारा टॉपिक है कि त्राटक क्या होता है। अब गाइस इसकी पूरी डिटेल एक पेंडिंग सेशन लिया था लाइव, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। लाइव स्ट्रीम में मैंने अपलोड किया है, या अगर अपलोडेड होगा तो आप देख लेना। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज त्राटक एंड उसका टेक्निकल जितना भी नॉलेज है सारा मैंने पीपीटी फॉर्म में वाइज स्ट्रीम। अब गाइस मैं आज करके दिखाने वाला हूँ वो एक्सरसाइज का स्टेज वन, जो मैं रोज तो नहीं कभी कभी करता था और अब भी कभी कभी मौका मिले तो करता हूं। एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स तो गाइस देखो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बेसिकली क्या है ना, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। मैं कुछ तरीका बता सकता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको करने के लिए, यानी कि त्राटक करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक शांत कमरा, बिल्कुल आइसोलेटेड रूम जहां कोई डिस्टरबेंस कोई आवाज ना हो। अब वैसे तो पंखे के बाद भी होनी चाहिए, यहाँ एक्चुअली क्या है थोड़ी गर्मी है इसीलिए मुझे फैन चलाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आपको मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, बाकी आप करना चाहें आप अपने हिसाब से देख सकते। अब कह रहे त्राटक का तो आपको मतलब समझ आ गया होगा पॉडकास्ट से, ये भी समझ आया थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। त्राटक क्या है? त्राटक एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरसाइज है जो 5000 साल पुराना एंशियंट विज्ञान पर निर्धारित है। मतलब 5000 साल पहले जो लोग रहते थे ना प्राचीन भारत को हम कहते हैं, जो अखंड भारत प्रसन्न होता था, तो वो लोग इस एक्सरसाइज को करते थे। अब ये एक्सरसाइज क्यों करी जाती है, उसका रीजन ये है कि जो ये त्राटक की एक्सरसाइज होती है ना, ये बॉडी को प्योरिफाई कर देती है। प्योरिफाई इन द सेंस मतलब ना प्योरिटी बॉडी से निकाल देती है। अब आप बोलोगे प्योरिटी कैसे, समझ नहीं आया। प्योरिटी इन द सेंस जैसे आपके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, तो ये त्राटक बेसिकली क्या करता है, आपके ब्रेन को प्योरिफाई करके आपको सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करता है, नेगेटिविटी से दूर करता है। इसी कारण से इस एक्सरसाइज को ट्राई किया जाता है एंड इसके रिजल्ट पावरफुल बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि अगर त्राटक सही ढंग से करा जाए, एक्सरसाइज मेडिटेशन एक्सरसाइज सही ढंग से करी जाए, तो ये ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं जो आपको दिमाग को ब्लास्ट कर सकता है। ब्लास्ट इन द सेंस ऐसे नहीं कि फट जाएगा, इन द सेंस ऐसे रिजल्ट देगा जो कभी आपने सोचे नहीं। इम्पॉसिबल रिजल्ट, मिरेकल समझ लो, चमत्कार समझ लो, इम्पॉसिबल रिजल्ट सब मिलेंगे, क्योंकि भाई ये शत प्रतिशत शास्त्रों में भी लिखी है, इसको त्राटक बोला जाता है। हाँ, एंड अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो इसे डीप मेडिटेशन एक्सरसाइज कहा जाता है, कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते हैं। एंड इसका एक ऊपर का लेवल मतलब स्टेज वन से स्टेज सेवन है, और भी स्टेज है पर स्टेज सेवन है। अगर आप सात स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो गाइस आप अल्टीमेटर पे पहुंच गए। इस सेवन स्टेज के बाद एक नेक्स्ट स्टेज है जो कि अल्टीमेट लेवल की है, जो कि आई थिंक तभी ट्राई करनी चाहिए जब आपको लगे कि आप कर सकते, वो है टू बिलीविंग जर्नी। मैं सारी चीज को डिटेल में बताऊं। स्टेज वन क्या है उससे पहले आप समझ लो कि त्राटक क्यों किया जाता है, वो तो आपको समझ आ गया होगा इससे कि पॉजिटिव करने के लिए प्योरिटी लेने के लिए। लेकिन त्राटक करने का जो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि त्राटक क्या है, वो एक फोकस कंसेंट्रेशन एक्सरसाइज है। फोकस इन द सेंस किसी भी चीज पे कंसेंट्रेशन बढ़ाना, अपना फोकस बढ़ाना के लिए एक्सरसाइज करी जाती है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हमें सजेस्ट करी जाती थी बचपन में, अगर आपको बताया गया हो कि ये करो फोकस बढ़ेगा कंसेंट्रेशन बढ़ेगा एक जगह पे देखना। त्राटक में करना क्या होता है बेसिकली, इसमें ना आपको एक बिंदु मतलब बिंदु नहीं कोई भी एक चीज को ऑब्जेक्ट को आप चूज करो, उसको आपको बस देखना है। एंड ट्रस्ट मी सिर्फ आपको उसे देखने से ही क्या कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको,
अंदाजा नहीं है। मुझे भी ये चीज स्टार्टिंग में मजाक लगी थी, क्योंकि जब मैंने इस बारे में रिसर्च करी थी मुझे भी ऐसे ही कहीं से पता चल गया यूट्यूब से, और मुझे अंदर से एक्साइटमेंट आई कि चलो यार त्राटक करके देख लेते हैं, इतना कुछ बता रहे हैं यूट्यूब पे उसने वीडियो पे, मैं भी देख लू करके क्या। देखी जब करा तो एक हफ्ते तक तो मेरी बैंड बज गई, क्योंकि बताता हूँ क्यों। उसके बाद जब मैंने इस चीज को कॉन्फिडेंस रखा, डरा नहीं, हिम्मत करके एक महीना किया, इसके बाद जो तो रिजल्ट, ओ भाई साहब मैं बता रहा हूं कि अल्टीमेट है। अब मतलब तुम क्या ट्रैटक में क्या करना होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखना होता है, सबसे पहली स्टेज है बिंदु ट्रैटक, मतलब एक दीवार में मैंने आप बना रखा है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं भाई, लाइव आपके सामने परफॉर्म नहीं करूंगा एक्सरसाइज। तो यहां मैंने बिंदु बनाया स्पेसिफिकली जो कैलकुलेट करके कि कैसे हिसाब किताब लगा के एंगल वेंगल का, तो ये आपके हाथ से इतना दूर पहुंचे बिंदु कि ये जो यहाँ है ना यहाँ पे मतलब फोकस हो सकता है, फाइनल ग्लैंड बोलते हैं तीसरी यहाँ, यानी कि फाइनल ग्लैंड बोलते हैं यहाँ पे हमारे होता है, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में ऐसा होना चाहिए। तो ये जो डॉग मैंने बनाया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। और इसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा नॉर्मल बिंदु जितना साइज, मतलब इतना छोटा भी नहीं कि दिखेगी ना, इतना बड़ा रखो कि वो आपकी ये जो आईज है ए देख सकते, अगर ये आपकी आईज देख सकते तो वेल एंड गुड। बस आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इस बिंदु को देखना, देखने इन द सेंस खड़े रह के बस ऐसे देखते रहते। अब बोलोगे इसका रिजल्ट होगा, इससे वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों को अपनी लाइफ में डर, कल्पना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सब मिल जाएगा यहां से। बस करना कुछ नहीं है, इस बिंदु को 5 मिनट देख, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, 1 मिनट भी अगर आप देख पाए वो भी बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में मेरा टाइम आई थी तो बिल्कुल जब बिगनिंग करी थी इस एक्सरसाइज की, तो 30 सेकंड आई थी, 30 सेकंड 1 मिनट तक तो मेरा नॉर्मली पहले ही राउंड में चला गया। धीरे 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 बढ़ के आप अभी 21-25 मिनट से ज्यादा का चला जाता है, फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, अगर आपको पता हो कि हम किसी चीज को ज्यादा देर देखें तो हमारी आंख से ना आंसू आते हैं, आंसू इन द सेंस टीयर्स आते हैं, जिनसे हमारे कभी कभी हेडेक हो। ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको बहुत ही ज्यादा हेडेक होगा, सर में यहाँ दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि अगर आप बर्दाश्त कर पाए तो। इसीलिए मैंने बोला ना स्टार्टिंग का मेरा एक हफ्ता बहुत ज्यादा टफ था मेरे लिए, क्योंकि उस समय में इस एक्सरसाइज को रोज कर रहा था 5 मिनट 10 मिनट, और मेरा सर ऐसा दुख रहा था, इतना फटने ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया दिमाग में। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और 21 डेज तक इसको करा, सर में दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद के रिजल्ट ने मुझे सेटिस्फेक्शन दे दी कि मैंने बर्दाश्त तो कर लिया वो दर्द, लेकिन उसके बाद आई वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ करें, इंटरेस्टेड हैं तभी करें एक्सरसाइज, तो आपको रिजल्ट परफेक्ट मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सोचे, जो आप सोचोगे वो हकीकत होना शुरू होगा। आप मैं बताता हूँ 7 स्टेज क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ पे ना इंटरनल में चक्रास, चक्रास को पता होगा अगर आपको सुना हो कि यहाँ पे हमारा सबसे पहला चक्र होता है विष्णु धारक चक्र, मतलब इसको लघु बोलते हैं, ल से डी होते हैं। तो विश्वधारा चक्र बेसिकली क्या है, हमारी जो बॉडी की इंटरनल एनर्जी है ना, तो जो कि बेसिकली हमारे सबके अंदर होती है, उसको फोकस बिगिनिंग यहाँ से होती है। सो बेसिकली अगर हमारा फर्स्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हम भटकते नहीं है, मतलब कि ये जो एग्जाम्पल को मैं एग्जाम्पल भी कहते हूँ, फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मतलब उस तरह के जो लस्ट वाले विचार है वो नहीं आते हैं, आपको लस्ट नहीं आती किसी चीज से, आप उससे दूर रहते हो, तो आपका बैलेंस, अगर आपके चक्र एक्टिवेट हो गया तो आप अपनी लस्ट और व्हाटएवर जो भी चीज है उस पे काबू कर सकते हो। देखो लस्ट को उल्टा क्या हुआ आपका, तो उस पे आप काबू कर सकते, ठीक है, हिंदी में उसे संभोग, ठीक है, इंग्लिश में सेक्स करो, आप इस पे आप नियंत्रण रख पाएंगे, नियंत्रण इन द सेंस कि आप इस चीज को एक गलत नजरिए से नहीं, एक अच्छे नजरिए से देखेंगे, जैसे प्राचीन भारत में सिखाया है एक सभ्यता के। उसके बाद हमारा सेकंड चक्र आता है जो कि यहाँ पे होता है, एंड ये हमारी जो स्टमक होता है, भूख, हमारी जो भूख है उसको काबू करता है। सो इस चक्र पे क्या होता है, इसको सेकंड चक्र क्यों बोलते हैं, ये हमारी भूख को हमारे नियंत्रण में लाने में कामयाबी।
अगर आपका ये सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अपनी भूख पर काबू कर पाओगे। ज्यादा टाइम अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो नॉर्मली तो फिर किसी होगा, लेकिन अगर आप अपनी भूख पर काबू कर पाए तो वो इस चक्र के कारण कर पाए। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ वाला चक्र, जो कि बेसिकली आपके जो एयर होता है अंदर, एयर इनटेक, इसके लिए बेनिफिशियल होता है। सो बेसिकली लंग्स के पास क्या होता है, इस चक्र को थर्ड चक्र बोलते हैं। ये क्यों बेनिफिट है, ये बेसिकली क्या है कि आपकी जैसे सांस लेते हैं ना, सांस लेके उसे निकालते हैं, उससे आपकी जो इंटरनल एयर प्योरिफिकेशन है बॉडी की वो बेनिफिट। इसके बाद आता है फोर्थ चक्र, जो कि होता है, जो कि हार्ट चक्र कहते हैं। हार्ट चक्र कहते हैं फोर्थ चक्र, जो हार्ट चक्र होता है वो होता है हमारे दिल से जुड़ा हुआ, कि यार जिसका चक्र एक्टिवेट होगा ना वो दिल का बहुत साफ होगा। बोलोगे सभी दिल के साफ होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, सब कॉन्शियसली उनके चक्र एक्टिवेट होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। तो जो ज्यादा दिल का साफ होता है उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, इसको फोर्थ चक्र कहते हैं। इसके बाद ऊपर जाए तो यहाँ आता है हमारा पांचवा चक्र, इसको बोलते हैं थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र बोलते हैं हिंदी में, आपको समझ नहीं आता, इसे बोलते हैं थ्रोट चक्र। तो छठा चक्र छठा पांचवा, फिफ्थ चक्र जो हमारा ये होता है थ्रोट चक्र, ये बेसिकली क्या है कि हम जो बोलेंगे वो हकीकत होना शुरू हो जाएगा, कि हमारे ये कंठ में इतनी ताकत आ जाएगी, हमें इतनी ताकत महसूस होगी, हम जो बोलेंगे वो हकीकत में होने। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं छठे चक्र में, जो कि है ये, इसको बोलते हैं थर्ड आई इंग्लिश में, ठीक है, तीसरी आंख बोल दो, जो कि बेसिकली हमने महादेव को देखा है, तीसरी आंख है, इसे पानी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में। ये चक्र को एक्टिवेट करने के लिए ये प्राणायाम एक्सरसाइज करी जाती है, एंड ये प्राणायाम एक्सरसाइज सिर्फ इस चीज को एक्टिवेट ही करती है, ये पूरे सारे चक्र को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। ट्रस्ट मी, जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा इसके बाद एक लास्ट चक्र, इसको स्टेज सेवन कहा जाता है, वो होता है हमारे सहस्रार चक्र बोलते हैं, जो कि सबसे 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 पावरफुल है। इसका ये एक्टिवेट हो गया तो वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है कि अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकाल के अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता है, ऐसा लगेगा कि जैसे मुर्दे के अंदर से उसकी आत्मा निकाल दी। अब ये बोलो कि अगर ये ऐसे कोई कर देगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे जिंदा रहते हुए कर सकते हो तो उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। अगर आप कर पाए तो सहस्रार चक्र के कारण आप कर पाए। ये तो हमने बता दी चक्रास। अब इन सब एक्सरसाइज को करने के लिए अलग अलग टाइप के त्राटक्स हैं, सात सेवन त्राटक्स। सबसे पहला जो मैं करने वाला हूं उसके बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक कहा जाता है फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। नो डाउट सारे जो त्राटक एक्सरसाइज है सारे इसके लिए फोकस और कंसंट्रेशन के लिए ही करे जाते हैं, बट बिंदु त्राटक इसमें सबसे पहला है, तो आपको फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो आपका पाइनिंग लाइन को एक्टिवेट कर देगा। एक बार का पाइनिंग लाइन एक्टिवेट होगा सारे सर में दर्द होगा, 21 दिन के बाद नहीं होगा, मतलब होगा कम होगा लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा। इसके बाद आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे स्टार्टिंग से ऐसे 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 करके, मतलब पहला चक्र हमारे जो ये क्या बोलते हैं नावल होते हैं नावल, उसके नीचे जो हमारा एनस होता है उसके सेंटर में हमारी जो ये जहां बेल्ट पहनते हैं इससे थोड़ी सी नीचे तक यहाँ पे होता है हमारा पहला चक्र। तो अगर कैमरे में देखिएगा नहीं पर मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की, यहाँ पे ये है हमारा पहला चक्र। ठीक है, सेकेंड चक्र हमारा ये है, इसके बाद हमारा थर्ड चक्र है ये, फोर्थ चक्र है ये, फिफ्थ चक्र है ये, सिक्स चक्र है ये, सेवन चक्र है ये, एंड देन उसके बाद अब आपको मैं बताऊं हमारी बॉडी में 112 चक्र होते हैं। ये सेवन चक्र जो मैं बताई ये बेसिक वाले जो सबको पता ही होते हैं, अलग अलग नॉलेज हो, 112 चक्र नहीं पता होंगे, 112 चक्र पूरी बॉडी में इतने तो मुझे भी नहीं पता, इतना आइडिया है कि 112 चक्र होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक्यूप्रेशर का यूज किया जाता है। एक्यूप्रेशर यूज करें तो हमारे पांव में ही फीट में ही 30 चक्र होते हैं, तो इसलिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि चाइनीज में एक्यूप्रेशर हो सुई से लगा के दबाते हैं, कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा दे उससे बॉडी में इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो चक्रा को दबाते हैं, चक्रास एक्टिवेट करते हैं। अब जो बिंदु त्राटक है वो मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी को यहाँ से फ्लो करेगा। इसके बाद आता है कैंडल त्राटक, जो कि होता है मोमबत्ती को घूरना एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो उससे आपकी आंखें जल भी सकती हैं। आप बोलोगे तो हम तो इतनी दूर से घूर रहे हैं आंखें कैसे जलेंगी। देखो क्या होता है कैंडल प्रोडक्ट जो होता है ना, आपको कैंडल की जो लौ है ब्लू कलर की लौ है उसको देख रहे हैं, जैसे मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था कि आपको कैंडल की लौ को देखना है, जो कि आपकी आईज को बर्न भी कर सकती है, मतलब बर्न इन द सेंस
डैमेज भी कर सकती है, बट अगर आप इसको ट्राई करें, कोशिश करते रहे, ज्यादा देर मत करें, थोड़ी देर करें ताकि आपकी आईज को डैमेज ना हो। अगर आपने बिंदु त्राटक कर लिया है ना, तो आपको कैंडल त्राटक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो आपके लिए इजी हुआ करना। इसके बाद अगर थर्ड त्राटक, इसको बोलते हैं मिरर त्राटक। मिरर त्राटक किस लिए कराया जाता है? अपने आप की प्योरिफिकेशन। अब आप बोलोगे स्टेज वन में तो प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन है, लेकिन स्टेज वन जो प्योरिफिकेशन है वो ब्रेन की है, स्टेज टू जो प्योरिफिकेशन है वो बॉडी की है और आईज की है, लेकिन जो स्टेज थ्री प्योरिफिकेशन है वो पूरी आपकी सोल की प्योरिफिकेशन करता है। क्योंकि मिरर त्राटक करने पे आपको क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, मैं ये सब कर चुका हूँ। कैंडल त्राटक नहीं किया मैंने, दिया त्राटक किया था। मिरर त्राटक के लिए, मिरर त्राटक मैं बचपन से करता रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसे मिरर त्राटक बोलते। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा अरे वाह यार, मैं तो बचपन से ये चीज करूं। मिरर त्राटक में क्या करना होता है, आपने ये किया होगा, शिष्य बाप ने आपको घूरते हैं, सभी शिष्य बाप आपको घूर देते हैं, क्या बड़ी बात है ना, लेकिन शिष्य बाप ने आपको घूरो 2 मिनट। आप बोलोगे अरे हम तो सारा दिन घूर रहे हैं। 2 मिनट बिना पलक झपकाए सबसे बड़ा चैलेंज त्राटक में यही है कि आपको पलक नहीं झपकानी। अभी तो मैंने बोला ये कठिन है, क्यों मैं बोल रहा हूँ दुनिया के पावरफुल एक्सरसाइज, क्योंकि आपको पलक तो झपकानी ही, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इसमें कि आपको सारा काम करना बिना पलक झपकाए। कोई भी इसको त्राटक कर लो, बिंदु कर लो, कैंडल कर लो, मिरर कर लो, पलक नहीं झपकानी अपनी आई, मुश्किल है ना। इसीलिए तो मैंने बोला कि दुनिया के सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है दुनिया के ब्रह्मांड। अब इसके बाद स्टेज 4 आएगी, अगर आप मिरर त्राटक कर पाए तो आप प्योरिफिकेशन से सोल्स घोष धूल अपने अंदर सब झांक। इसके बाद आता है पांचवा त्राटक जो बेसिकली लीफ त्राटक होता है, पत्ते एक इतनी दूर से एक लीफ को घूरना। अब बोलोगे ये तो आसान है, नहीं, आपके सामने पेड़ है, पेड़ कितना दूर है, आपको उसका एक स्पेसिफिक एक ही पत्ते को घूरना है, एंड मैं ये भी कर चुका हूं, कर लिया। इसके बाद आता है अगला त्राटक जो कि छठा है, वो है सोलर त्राटक, मतलब सोलर नहीं लूनर त्राटक कर रहे हैं। लूनर त्राटक बेसिकली होता है मून को घूरना, चांद को घूरना इतनी दूर से बिना पलक झपका है, आईज डैमेज नहीं होगी बट टाटा। इसके बाद जो लास्ट है वो है सोलर त्राटक जो कि है आई नो सूरज को घूरना बिना पलक झपका है, एंड यू विल लाइक व्हाट नाइन। हाँ भाई, जब आप सारी स्टेजेस कंप्लीट कर लोगे तो आप ये इम्पॉसिबल कार्य भी कर पाओगे। आई नो सूरज की यूवी रेडिएशन आपकी आईज को डैमेज कर सकती है, लेकिन अगर आप इस त्राटक को सही ढंग से करो तो कुछ भी नहीं होगा, एंड मैं ये भी कर चुका हूँ गाइस। यस, 7th त्राटक भी मैंने कर लिया है। अब इसके बाद आता है कुंडलिनी जागृत करना, जो कि सारे चक्र जब आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी को अपने काबू में कर पाओगे, यानी कि लस को अपने काबू में कर पाओगे। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए 1 साल तक, तो भाई वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप मैचिंग भी नहीं कर सकते। एंड फॉर योर फाइनल इंफॉर्मेशन गाइस, मैंने इसकी भी शुरुआत कर दी है, मुझे आई थिंक, चलो मैं बता देता हूँ, दस महीने हो चुके। यस गाइस, मुझे ये कुंडलिनी जागृत वाली चीज करते हुए 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और जो इसके रिजल्ट्स हैं, ओ माय गॉड, बस जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा। 10 महीने तक अपने नियंत्रण में रखना अपनी बॉडी, नॉट एट कॉस्ट इजी। पहले महीने तो गाइस ब्रह्मचारी बनने वाला काम है, अगर आप कर सके तो, अगर आप इस पेज पे आए तो आपको ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब आप कुंडलिनी जागृत कर पाओगे। और एक बार अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तब आप सुपर ह्यूमन, यस सुपरमैन, वो सब भी होगा। लेकिन यार देखो, वो बहुत दूर की बात है,
आज मैं कर दिया ऑर्डर सिर्फ 20 मिनट का, ये मैं आपको एडवांस में सारी जानकारी दी, ठीक है। अब चलो गाइस मैं जरा कैमरे का एंगल सेट करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो ये रहा गाइस 20 स्ट्रेटजी की एक्सरसाइज का लाइव एग्जांपल, मतलब लाइव एक्सरसाइज आपके सामने। हां जी, सो गाइस अब मैं आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूं 20 स्ट्रेटजी एक्सरसाइज। देखो गाइस, ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना यहां पे, ये जो मैं आ रहा हूं लाइव बॉडी, तो इसमें ये डॉट ऐसा होना चाहिए आपके बिल्कुल सीध में, कि आपकी जो पाइनिश ग्लैंड की एग्जैक्ट, अब मैं टेंशन बोलो उसको एक्सपेक्ट आके कर सकता हूँ, मैंने ऐसा नहीं होता, तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल आपके सेंटर में होना चाहिए इतना परफेक्टली कि आपका जो होल है वो यहाँ पे अटैच होना चाहिए। चलो जरा स्पेक्स उतारते हैं इसको करके दिखाता हूँ। अब करना क्या है गाइस, आपको पलक नहीं झुकानी है, ब्लिंक नहीं करना है इसको, सिर्फ फोकस करना है। अब आप कितनी देर कर सकते हो दैट इज योर कैपेसिटी। अब जो जो मैं बातें बोल रहा था मैं जितनी देर उतनी देर में आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मैंने एंगल देख लेता हूँ, परफेक्ट है कि नहीं, देन आई विल बिगिन। एंड गाइस इस एक्सरसाइज के टाइम में बिल्कुल साइलेंट रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई रिएक्शन दूंगा आपके सामने, इसलिए परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि एक्सरसाइज के दौरान ना कुछ बोला जाता है ना कुछ एक्शन किया जाता है, बिल्कुल बुद्ध पुतले की तरह खड़े रहना पड़ेगा। आई नो जी मिलेगा, चलो करके ही समझ आता है ना, तो आई थिंक करना ही चाहिए। जो हाइट लगा वीडियो में आपको दिखेगी वो थोड़ी कम दिखेगी, पर क्योंकि मैंने एंगल कैमरे का नीचे रखा है, अदरवाइज आपका ये जो डॉट है वो आपकी बिल्कुल सीध में आपकी पूरी, इतनी जितनी आपकी हाइट है ना बॉडी उतनी एग्जैक्ट फिट होना चाहिए। रिकॉर्ड अगर वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो उसका असर नहीं होगा, इसलिए मैंने डॉट को तो एग्जैक्ट रखा, कैमरा नीचे होगा तो वीडियो में शायद आपको डॉट ऊपर दिखे, बट हकीकत में वो उतना ही है जितनी मेरी हाइट है, एग्जैक्ट लिया मैंने डॉट इंच टेप वगैरह, इसलिए कम से कम 2 फुट की दूरी है, तो इतनी दूरी का होगा। चलो अब इसका फोकस करना आसान है क्योंकि कैमरा नीचे हो गया, एंड कुछ भैया चप्पल लगा, ओके सो लेट्स डू इट।
कर आपकी जो आई है ना उससे पानी निकलेगा, इसके बाद आपको करना क्या है, क्वाइस क्लोज करनी है, रिलैक्स करना है लगभग 2-2.5 मिनट ताकि आपको जो आइस में एनर्जी रही है वो आपकी बॉडी के अंदर लंबाई में अब्जॉर्ब हो जाए, प्लस आपकी जो सारी बॉडी है वो रिलैक्स मूड में चली जाए। तो इसी कारण से एक्सरसाइज के बाद आइस क्लोज करना बहुत जरूरी है। इसके एक्सरसाइज के थ्रू गाइस आप चश्मा भी आपको उतर सकते हैं, जिसको चश्मा लगा उसका चश्मा उतर जाएगा अगर बॉडी एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज को करना मुश्किल है बट अगर आप कर पाए तो ये बहुत बेनिफिट है। अब गाइस देखो मैंने इतनी देर किया लेकिन मुझे सर में दर्द ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो इंसान इसको पहली बार करेगा उसके सर में दर्द होगा। गाइस प्रॉब्लम पता क्या हो रही थी, मेरा मेजर प्रॉब्लम ये है कि मैं ना थोड़ा ऐसे हिलता रहता, मेरी बॉडी बॉडी हिलती है इसलिए एंगल ना ऐसे से हो रहा हूँ, इसी कारण से एक आंसू ज्यादा है एक से कम है। अदरवाइज अगर मैं हिलता रहा ना तब क्या कह सकते हैं, बॉडी हिलती रहती है, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा था बट बॉडी हिल ना हिल रही होती तो इस आंख से भी आंसू उतने ही आती जितने इधर से इक्वल आता, लेकिन ये कम ज्यादा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, रिजल्ट जो है वो नॉर्मल ही रहेंगे, ये थोड़ा बहुत बैलेंस होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में यही कोशिश करना गाइस कि दोनों आंख से आंसू आए, एक से आए और एक से ना आए तो सही नहीं है, मेरे साथ तो एक बैलेंस हो जाएगा गाइस बिकॉज देन मैं बहुत टेंस था तो मेरा पहले दोनों आंख से ही आंसू आते थे, ये तो अब चलो कोई बात नहीं इश्यू आएगा इतना प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि मैं ये काफी टाइम से कर चुका हूँ, अगर आप ये कोई चीज पहले टाइम पुराने टाइम से कर रहे काफी साल से तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहली बार हो तो भाई बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके एक महीने तक मैं फुली मतलब कि फोकस था। अगर मैं हाथ वापस क्यों रख रहा हूँ आंखों पे, क्योंकि आंखों के सामने ना लाइट चल रही है और लाइट आंखों के लिए भी नुकसानदायक है, बिल्कुल नाजुक होगी मेरी आंख, इसके हाथ रख रहा हूँ ताकि वो नरम रहे और उनको अंधेरा मिले और वो आइस के अंदर का जो रेटिना है वो नॉर्मल होता है, मतलब जो प्यूपिल होता है ना गाइस वो लाइट के कारण बड़ा छोटा हो जाता है तो नॉर्मल साइज में आता है, बस इसके लिए अभी अंधेरा मिलेगा हाथ रखने से एंड कुछ देर के बाद में हाथ उठाऊंगा ये सही हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज होती है जस्ट से बॉडी। बाकी मिरर नाटक में भी गाइस आपको सेम ही करना है, ऐसे करना ज्यादा कुछ अलग नहीं है, सेम ही है, बस फर्क इतना है उसमें शीशा हो जाएगा, कैंडल त्राटक में कैंडल हो जाएगी आगे तो, और जितने भी त्राटक में वो स्पेसिफिक आएगी जो मैंने अपने लाइफ सेशन में बनाया। और गाइस आपको एक बात बताऊं, सातों चक्रों के कलर्स अलग 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 हैं, अगर आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो तो आपको इस इमेज में दिखेगा सातों चक्रों के कलर्स। गाइस थोड़ी देर के लिए खड़े रहना फिर रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। क्योंकि मैंने आपको सामने लाइव किया था कि ब्लिंक करे बिना कर, तो आपको सोचा इतनी देर अगर इस चीज को देखेंगे ब्लिंक करे बिना तो ऑब्वियस सी बात है उसी हिसाब से रिजल्ट देगी उसी हिसाब से। तो मुझे इससे कोई इशू नहीं हुआ कि मुझे इसकी हैबिट है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या एक हफ्ते में कर रहे हैं तो आपको इससे थोड़ी इश्यू हो सकता है क्योंकि ठीक है। सो आई होप सो गाइस आपको ये हमारी आज एक्सरसाइज पसंद है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, आज की वीडियो मजा आया सो और इसे शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।